भाई जी जो कुवैत है इसको देख के मुझे बार बार एक ही बात दिमाग में आती है कि जिसके घर के आंगन में दौलत का सजर लगता है। मजा आया। कि जिसके घर के आंगन में दौलत का सजर लगता है। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। जिसके घर के आंगन में दौलत का सजर लगता है। अरे कहना क्या चाहते हो। उसका हर ऐब भी जमाने को हुनर लगता है। बेशक। ये बात कुवैत के लोगों पर बिल्कुल सही बैठती है। ऐसे तो नहीं होता है। कहीं अभी मुझे गुस्सा बहुत आ रहा है और गुस्सा इसलिए नहीं आ रहा है कि आज मैंने काम ज़्यादा किया है या फिर मैंने नाश्ता नहीं किया है। गुस्सा तो इस बात पे आ रहा है कि मेरे ऑफिस में सबके टेबल पे कंप्यूटर और प्रिंटर है लेकिन मेरे टेबल पे एक पानी का बोतल, एक चाय का कप और एक सैमसंग का टैब है बस। गाइज एक तरफ जहां अपने यहां लोगों के घरों में कूलर और पंखा तक नहीं होता, वहीं कुवैत के बाथरूम में भी एयर कंडीशन लगा हुआ है और वो भी स्प्लिट एसी लगा हुआ है। देखिए दो गीजर और दो एसी एक साथ लगा हुआ है। ऐसे और भी एसी लगे हुए हैं इस बाथरूम के अंदर। अभी मैं प्रेयर के लिए आया था तो मैं देखा एसी इसमें लगा हुआ है। आमतौर पर यहाँ बाथरूम में एसी देखने को मिल जाता है, ये कोई नई बात नहीं है। यहाँ अरबी में बाथरूम को हमाम बोलते हैं और हमाम से जब मैं वजू करके मस्जिद की तरफ गया तो मैंने देखा मस्जिद के अंदर बेहतरीन किस्म के लग्जरी सोफे लगे हुए हैं। कारपेट तो लगा ही है, उसके साथ साथ इसमें सोफे लगे हुए हैं। ये देखिए मस्जिद में अगर आपको देर तक बैठना पड़े या कुरान की तिलावत करना पड़े तो उसके लिए बिल्कुल आपको बेहतरीन किस्म का कंफर्ट फील होगा। आपको ऐसा नहीं लगा कि मैं ज़्यादा देर तक यहाँ बैठा हूँ तो बैठने में प्रॉब्लम हो रहा है। बेहतरीन सोफ़ा लगा हुआ है जिसके वजह से काफ़ी देर तक आप मस्जिद में बैठ सकते हैं प्रेयर करने के बाद भी। और ये देखिए मस्जिद के अंदर ही फ्रिज रखा हुआ है जिसमें फ़िलहाल पानी के बोतल रखे हुए हैं। इसमें जूस भी रखा होता है, पानी भी रखा होता है, खजूर भी रखा होता है। नमाज पढ़ने के लिए जो लोग आते हैं वो ये सब खा पी सकते हैं। उसके अलावा ये देखिए जूते पहनने के लिए यहाँ पे एक स्ट्रिप रखी हुई है जो जूते के अंदर डाल के और अपनी एड़ी दबा दी जाती है और जूते के अंदर वो आपका पैर चला जाता है। यहाँ आमतौर पर जूते पहनने के लिए दोनों हाथों से पकड़ना पड़ता है लेकिन यहाँ ऐसा है जिसके वजह से बिल्कुल आसानी से लोग जूते पहन के चले जाते हैं। जूते पहनने के लिए जूते को हाथ से पकड़ने की बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है। और ये क्या पहले से आप आकर मेरा इंतज़ार कर रहे हैं।